democracy in the core the topic for this session is that how we can understand democracy and the role of democracy in the social development because democracy is the form of government in which the people have the authority to deliberate and decide legislation or to choose governing officials to do so सो हु इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द पीपल एंड हाउ अथॉर शेयर बाई द पीपल हैज़ चेंज ओवर टाइम एंड कंट्रीज डेमोक्रेसी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर है वो आवाम की नुमाइंदगी के ऊपर है लोगों ने खुद ही अपने लिए उन लोगों को मुंतब करना है उनका इंतख्य करना है जो उनके लिए कानून साजी भी करेंगे और फिर उनके ऊपर वही रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के अंदर है वो ये है डेट हु इज़ कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ पीपल अब लोग कौन है अवाम कौन है ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़ाहिर अवाम के अंदर से ही कुछ लोगों ने मंतख होकर अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है यूज़ करना है तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जिन लोगों को हम खुद से मंतख करते हैं वो अल्टीमेटली जाकर हमारी रिप्रेजेंटेशन किस अंदाज़ से करते हैं उनका तरीक़ेकार क्या है वो हमारे ही मुफादात का किस हद तक ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा है के जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर कुछ मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उन फीचर्स के अंदर एक बात अहम है सबसे पहली बात तो ये है कि क्या लोगों के लोगों को ये आज़ादी दी गई कि वो कहीं भी किसी भी जगह पर इकट्ठे हो सकें फिर दूसरी बात ये है कि क्या लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपनी राय का इजहार करके अपनी अपनी राय का इजहार इस अंदाज से कर सकें कि वो आजादाना गुफ्तु कर सकें फिर सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉटेंट बात जहाँ जमहूरीत या डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो आज के जदीद ज़माने के कॉन्सेप्ट सोशल कैपिटल के साथ इंटरलिंक होता है वो है जमहूरीत की इंक्लूसिवनेस एंड इक्वालिटी अब इंक्लूसिवनेस क्या है कि जमहूरीत के अंदर जमहूरीत के साथ जो निज़ाम चल रहा है उसमें आम लोग किस हद तक उसका हिस्सा हैं क्या तमाम लोगों को मौाक़ हासिल हैं क्या सब लोग जमहूरी निज़ाम की नज़र में बराबर हैं अब बराबरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे है देखिए बराबरी महज ये नहीं है कि आपकी मेरी इनकम एक हो ये बराबरी नहीं है बराबरी का मतलब ये है कि क्या आपके पास मेरे पास हमारे ख़ानदानों के पास इक्वल एकटीज़ हैं अगर तो हमें ग्रो करने के मौके मिल रहे हैं हर एक को बराबरी के तौर पर तो एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इस्टेबलिश हो जाएगा फिर जो सिटीज़नशिप है उसमें लोगों के पास उनके कुछ हकूक भी होते हैं और फ़राइज भी हैं जमहूरीत लोगों को उनके हकूक़ से भी आगाह करती है और उनके फ़राइज से भी आगाह करती है देन है कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नड अब कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नड से क्या मुराद है कि मुल्क के अंदर जो अथॉरटी है जो निज़ाम है क्या जो कानून साजी वो करते हैं क्या उसमें लोगों की मर्जी शामिल होती है लोगों को जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं उनके मुताबिक कवानी बन रहे हैं निज़ाम अपने लोगों को सेटिस्फाई करता है ये जमहूरीत की बुनियादी खसूसियात होती हैं फिर वोटिंग राइट्स अब जो भी मुल्क के अंदर मौजूद है उसे बिला तफरी वोटिंग का राइट मिलना चाहिए यानी वोटिंग का राइट महदूद नहीं होना चाहिए खुतिन को मर्दों को माइनॉरिटीज़ को जो भी बुनियादी शर्त को पूरा करता है यानी उम्र की शर्त को पूरा करता है उसे बकायदा तौर पर वोटिंग का हक हाँ, हासिल होता है और इसी हक़ हाँ के रायदही की बुनियाद पर हम अपने आप को अपने निज़ाम का अपनी हुकूमत का अपनी रियासत का हिस्सा जो है वो समझते हैं फिर फ्रीडम फ्रॉम अन गवर्नमेंटल डिप्रीवेशन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी फिर एक अहम जो बात है जिस पर आम तौर पर मसाइल खड़े हो जाते हैं कि क्या निज़ाम की नज़र में तमाम लोग बराबर हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या लोग जो हैं वो मतमईन नहीं हैं अपनी हुकूमत की कारकरी से कि उसके अंदर लोगों के पास कहीं पर उनके हक हक तल्फी हो रही है और ख़ास तौर पर वो लोग ख़ुद को निगलेक्टेड तो नहीं महसूस कर रहे जिन जो तादाद के लिहाज से कम है ये तादाद किसी भी एतबार से हो सकती है मजहब के एतबार से यानी मजहबी माइनॉरिटी हो सकती है कोई एथनिक ग्रुप हो सकता है तो निज़ाम को इन सब के हकूक व फ़रज़ का ख़्याल जो है वो रखना चाहिए यही बुनियादी जमहूत है और इसी जमहूरीत की प्रैक्टिस से आज के जदीद दौर में सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें मज़बूत होता हुआ नज़र आता है